बिल्कुल तकलीफ नहीं है, क्योंकि जहाँ पे 50 लाख रुपया में, क्योंकि इस उम्मीद में शायद आखिरी चाबी से मेरा ताले का दरवाजा खुल जाए, शायद इसी उम्मीद में कि आखिरी चाबी शायद दरवाजा खुल जाए आखिरी चाबी से। सर बट एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ सर। सर इतनी स्ट्रेटेजी आपने फोकस करी, सबका ऑलमोस्ट क्लास अटेंड कर चुके हो, मार्केट 50 लाख से ज्यादा नुकसान कर चुके हो, तो सर ऐसा मेरे में क्या दिखा आपको जो सब में नहीं दिखा? आपकी एक चीज मुझे यहाँ पे देखिए ये दिखने की, और लोगों ने तो सब कुछ बताया। अभी शायद आप कहाँ कौन से स्टेट से हैं सर? हैदराबाद से। हैदराबाद से हैं। एक यहाँ पे उड़ीसा के हैं शायद सुभाषीष करके हैं, उनका भी मैंने अभी ट्रेनिंग लिया था। और ऐसे सब, लेकिन कोई भी ये सब कुछ बता देता है, लेकिन एक्चुअल जब एंट्री लेने का टाइम आता है, अभी उस जगह पे हमारे इमोशन हमको इतना ज्यादा, अरे ले रहे हो पता नहीं फिर नीचे आ जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा क्या होगा, हमारे पास ऐसी मतलब हमको वहां पे अच्छा हिम्मत करके ले भी लिया, फिर उसके बाद वो 3 रुपया 4 रुपया अभी फ्यूचर के स्टॉक, अभी आज SBI हमने लिया बाई किया, अभी SBI हमने बाई किया, चल रॉन्ग एंट्री मेरी हो ही गई थी, और रॉन्ग होने के बाद हमारे इमोशन यहाँ खड़े हो गए ऊपर ही जाएगा, जब वो हमको पता चल गया रॉन्ग है तो हमको निकल जाना चाहिए था सर जी वहाँ पे। सही बात। एट लास्ट मेरा 2 रुपया का लॉस हुआ, फिर बाद में वो जो है सपोर्ट लेवल से फिर जब ये ऊपर जाने लगा मैंने वहाँ बाई करके अपने उसको इक्वल तो कर लिया, लेकिन इक्वल करने के लिए ही तो हम लोग मार्केट में नहीं बैठे ना सर जी। अगर हमने इक्वल कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। लेकिन है कि इक्वल करने के लिए तो मार्केट में हम नहीं बैठे हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। और आपके जो वीडियो मैंने देखा है उस वीडियो से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से फीलिंग हो रहा है कि शायद हमें आपके उस वीडियो को फॉलो करके कुछ वहां पे अपने, हमारा देखिए और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, हम कुछ भी नहीं चाहते हैं मेरा 50 लाख का मुझे मार्केट मुझे रिटर्न दे दे, मैं केवल एक ही चीज लेना चाहता हूँ आपसे एक ही चीज जानना चाहता हूँ कि हम क्या ऐसा ट्रेड लें जिसमें हमको कुछ तो प्रॉफिट मिले, चाहे 200 मिले चाहे 500 मिले। सर बट आपका मैंने सुन के एक चीज मुझे समझ में आई, स्ट्रेटजी आपके पास है एग्जीक्यूशन करते हुए कहीं ना कहीं डर जा रहे हो, कहीं ना कहीं घबरा जा रहे हो, कहीं ना कहीं सही टाइम पे नहीं कर पा रहे। उसका रीजन है ना सर जी, मैंने आपको बताया कि आज मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ, अभी तक तो मनमानी खूब किया, जब तक पैसा आया गया आप कोई दिक्कत नहीं, 50 लाख रुपया मामले नहीं होता सर जी, मेरे पूरे लाइफ की जो है वहाँ पे जो है बहुत बड़ी रकम है, और सन 2000 से हम लगे हुए हैं, जब आर्यन 10,500 का स्टॉक हुआ करता था, 10,500 का आर्यन का शायद आप उसमें मार्केट में थे भी नहीं थे, मुझे नहीं था सर, 2006 में एक्टिव हुआ हूँ, 2006 में तब आपने लोअर सर्किट और वो देखा था कि नहीं देखा था, सर ट्रेड करा था आज सत्यम का 178 के रेट से 5 रुपए में भी लिया था। अरे बाप रे। तो मतलब वो चीजें हैं। अभी आपका नाम क्या था जी? सर हरिंदर साहू हरी। हाँ हरी जी, अभी आपकी जो भी मतलब ट्रेंसी हो आपका कोई भी तरीका हो हमारे पास ऐसे नहीं है, आज हमने लास्ट जो है किसी स्ट्रेटेजी सीख करके हमने अपने LIC के ऊपर लोन ले लिया 3 लाख रुपया। ओके ओके। उस पैसे को मैंने लास्ट मतलब अपना एक होप लेकर के उस पे जुट गया, उसमें से भी जो है 1,20,000 गायब हो गया। अब इस समय मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, केवल 1,80,000 रुपया मेरे अकाउंट में बचा पड़ा हुआ है। अब मैं ये इस भय में कि कहीं साला ये भी चला गया तो क्या करूंगा। सही बात है। आज मेरे पास अब कुछ नहीं, मतलब ये कंडीशन हो गई है, मैं सिर्फ आपका इतनी हेल्प चाहता हूँ, मुझे कुछ ऐसे आप चीजें दे दीजिए, आप हमारे साइकोलॉजी के हमारे मन के अंदर के जो चीजें हैं उसको हटा दीजिए, जिससे हमारी एक्सपेक्टेशन और कुछ तो नहीं है, जैसे आपने बताया उसमें 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया वो सब चीजें, अगर हम लॉट में काम कर रहे हैं तो भी आपको पता है SBI का 3,000 का लॉस आई जाए। हम एक टाइम ऐसा था कि 10-10 लॉट में भी काम कर लेते थे, बैंक निफ्टी 1,000-1,000 की जो है हम जो है काम करते थे बैंक निफ्टी, आज जो है 50-20 का भी क्वांटिटी लेने में भय लग रहा है मुझे, भय लग रहा है, अभी इतना डर गया हूँ, इतना डर गया हूँ सर जी। सर ये आता है आपकी साइकोलॉजी के अंदर, और साइकोलॉजी कोई आपको सिखा नहीं सकता।
अब इसमें एक चीज मैंने जो देखा है आपका उल्टा पलटा में कि स्टॉक नीचे आ जाए, यहाँ पे हमारा एक क्यों कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि जब नीचे स्टॉक है तो स्टॉक नीचे से हमारे पास एक स्टॉप लॉस आपने दिया, अब वहां से अगर हम बाई कर रहे हैं तो हमारे पास खोने के लिए तो हमारा एग्जैक्टली यही मेरा खासियत है स्ट्रेटेजी की। सर इमोशन जो मैंने बताया ना, साइकोलॉजी को आपको खुद सीखना पड़ेगा, कोई कमा नहीं सकता, ये चीज है सर। बट इमोशंस को कहते हैं ना कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं कर सकते अपन, पॉसिबल नहीं है क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट, कंट्रोल नहीं। बट थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, यानी कि यार खोने को है कितना मेरा, जब वो चीज आ जाएगी ना तो पैसा बना लोगे आप। तो वहां पे ये चीज आप लॉस पे काम कर रहे हो, प्रॉफिट बाद की बात है। हाँ वही हमने यहाँ पे उल्टा पलटा हो गया ना, यहाँ पे उल्टा पलटा को मैंने बहुत पहले बात तो कल से मैं दो दिन से इस पे मंथन कर रहा था, व्हाट इज यू उल्टा पलटा। तो यहाँ पे मेरे को इस मंथन एक मिला कि जो तुम प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे थे तुम प्रॉफिट मत कमाओ, तुम लॉस के लिए बैठ जाओ, लॉस के लिए बैठो क्योंकि लॉस आपका फेवर में है, तो इमोशन अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। तो ये चीजें जो है हमने महसूस करने की कोशिश किया, तो भी इसमें कि हम अभी तो देख ही रहे हैं, अभी आज तो पूरा दिन समझने का प्रयास किया, अभी कल के लिए कुछ आपने शायद भेजा भी है ना, शायद वो कुछ एसटीबीटी था लेकिन शायद वो ना, हाँ वो तो अलग दूसरा वो स्ट्रेटेजी, हाँ वो एसटीबीटी है उसके वो बोला है सर आपका बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हाँ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कल महिंद्रा एंड महिंद्रा बोला था, अच्छा एसटीबीटी, हाँ तो वो कहाँ मिलता है सर जी वो स्टॉक जो बोलते हैं आप? सर चार्ट खुद बोलता है, हा? चार्ट खुद बोलता है कि मुझे सेल करो, नहीं नहीं मतलब आप ये जो देते हैं एसटीबीटी वो मतलब टेलीग्राम में मिलता है, टेलीग्राम और ट्विटर पे, अच्छा अच्छा तो टेलीग्राम पे वाला, अभी हम जो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं आपसे, वो पता नहीं क्या उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या है, जरा आप उसके बाद चेक करके देख लीजिए। तो बाकी सब जुड़ रहे हैं, कुछ ही लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, एक दो लोग चार लोग दस लोग कुछ नहीं जुड़ पा रहे हैं, बाकी सब तो जुड़ ही रहे सर, तो अच्छा, दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं आपके मोबाइल से ही कुछ ऑपरेटिंग, पता नहीं मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या दिक्कत है। नहीं नहीं तो एक मतलब जो ये जो आप एक ही पर डे देते हैं क्या, ये क्या चीज एक मतलब एसटीबीटी भी बीटी नहीं सर, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मार्केट अच्छा है मेरी सर, देखो यही गलती करते हैं पता है क्या, हमें रोज ट्रेड करना होता है सर, कभी रोज ट्रेड करने के लिए मत बैठो मार्केट में, हमेशा याद रखो कभी दूसरों को भी ट्रेड करते हुए देखो, समझो गड्ढे में कूद के सीखना है या दूसरे को गड्ढे में गिरते हुए देख के सीखना है, वो आपके ऊपर है। मेरा ये हमेशा याद है सर, मैं रोज काम नहीं करता, अच्छा अच्छा जब मार्केट मेरे अनुसार है मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार है मैं तब छोड़ता नहीं हूँ, और जब मेरे अनुसार नहीं है तब मैं दूरी बना रहता हूँ, दूसरों को लड़ने तो भैया दूर से एंजॉय करो। नहीं वही हुआ अभी कल तो हमने भी कुछ कोई भी ट्रेड नहीं लिया और कुछ भी केवल वाची कर रहा था, और निफ्टी दी है मैं दो दिन से निफ्टी बाइंग कर रहा हूँ, अच्छा अब दो दिन से निफ्टी देख लो कितनी गिर गई है, नो प्रॉब्लम बैठा हूँ अभी, कुछ एवरेज नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं पोजीशन लेके बैठा हूँ, लॉस आ रहा है वो देख रहा हूँ, लॉस अच्छा इतना रहा है, जबरदस्ती नहीं लगा हुआ कि लॉस रिकवर करना है, जब सही मौका आएगा सही टाइम पे एंट्री मारेंगे सारा लॉस रिकवर करके बैठ जाएंगे प्लस में। बराबर तो नहीं, जिसे भी बालकृष्ण दिए है आपने तो उसको कल अगर उस प्राइस पे मिले तो सेल कर सकते क्या उसके? ठोक दो, जो प्राइस आपने दिया होगा ना कुछ, बिल्कुल ठोक दो। अच्छा अच्छा, और एक बात बताऊं सर, हाँ जो मैंने प्राइस दिया है आपने जो इतने लोगों से सीखा है प्लीज कंपेयर, उन लोगों की स्ट्रेटेजी में भी आ रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑटोमेटिक इमोशन आपका कम हो जाएगा। नहीं वो अरे ये की पता नहीं क्या ये कम आएगा, अभी हम कोई भी चीज लास्ट तक इसको फाइट करेंगे, देखेंगे क्या होता है, लेकिन है कि उम्मीद हमने नहीं छोड़ा अभी भी सर, ऐसे कोई फायदा नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे करते रहोगे सर पैसे कम पड़ जाएंगे, लाइफ कम पड़ जाएगी, कुछ हाथ नहीं आने वाली, सही बता रहा हूँ आपको, अच्छी बात मैं आपको डिमोडलाइज कहता, मैं आपको फैक्ट बताना चाह रहा हूँ मार्केट का, मार्केट बहुत बड़ा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसका कितना गया, किसने उम्मीद रखी है नहीं रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा, जो आप बुरा मत लीजिएगा क्योंकि यू ऑलरेडी हैव अ गुड एक्सपीरियंस, मैं तो सर बालक हूँ आपके सामने,
मैं बहुत हालत हूँ आपके सामने, आपके यहाँ इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या पता है, मार्केट को समझना कि वो कहना क्या है। आज मैं आपको मतलब अभी यहाँ पे मतलब यहाँ पे कल हमारी गलती क्या है, मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। वही जो आपने बताया, आपको पता है आपकी गलती क्या है, आपने अभी बताया इमोशन, ठीक है, इसको कैसे कंट्रोल करना है उसका सब उपाय देता हूँ मैं आपको। जो आपके अकाउंट में 1,80,000 रुपए, सबसे पहले निकाल के 10,000 रुपए अकाउंट में रखो, अकाउंट में रखना ही नहीं है, सिर्फ सेविंग अकाउंट में डालो, क्योंकि रखोगे तो फिर इमोशन आएगा। हाँ, एक लॉट कर रहे थे, 2 लॉट और मन करेगा, क्योंकि वो तो बुला लेगा, आजा ट्रेड कर ले। तो पैसे उतने ही रखने हैं जितने हमें चाहिए। लोग क्या करते हैं, अरे अकाउंट में पड़े रहने देता हूँ, होगा तो ठीक है, नहीं तो पड़ा रहेगा, बस वही खत्म, वही इमोशन खत्म। आपके वीडियो देख करने के बाद हरीश जी, मुझे केवल 2 चीजें समझ में आई कि कोई भी स्ट्रेटजी आप पकड़ लो, आपने एकदम बहुत ही मतलब ऑनेस्टली इस चीज को जो है एक्सप्लेन किया है, बहुत ही ऑनेस्टली, और एक बार नहीं कम से कम 10 बार आपने अपने वीडियो में इसको आपने चिल्लाता हूँ और हाँ। वीडियो बड़ा कर देता हूँ 30-40 मिनट का, लोग बोलते हैं सर इतना बड़ा वीडियो बनाया, 10 मिनट में बता सकते थे। हाँ सही बात है, मैंने देखा कि आपके वीडियो मैक्सिमम जो है 30 मिनट के ऊपर के ही हैं, लेकिन आपने उसमें ऑनेस्टली एकदम बहुत ही मतलब ईमानदारी के साथ में आपने बताया भी है कि आप कोई 10 स्ट्रेटजी के बजाय एक को ही पकड़ दो और 10 बार करना, किसी 10 को मत पकड़ो। आपने तो बताने के लिए ठीक है, आपके स्कूल है, स्कूल में तो पूरा पाठ पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ ही मार्क मतलब आते हैं जो कि मार्क हमको जो है 100% दे देते हैं। हमारे हमारे लिए क्या जरूरी है, पूरा कोर्स की किताब तो हम तो नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या काम है सारी चीज आपको बताना, गलत क्या है सही क्या है, आपको डिसाइड करना है उसमें से कि भैया अब मेरे लिए इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है। तो आपका ये जो उल्टा पलटा प्रोग्राम दिखा मैंने, मेरे को इसके इस पर इतना ट्रस्ट हो गया है, इतना ट्रस्ट हो गया है कि बस उसी के पीछे मैं आज सुबह से 4 बार तो आपका वीडियो देख चुका हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास उल्टा पुल्टा में ऑलमोस्ट 7-8% का रिटर्न आया पूरे पोर्टफोलियो में, बताइए ये पावर। कल 11% का रिटर्न आया था पर डे का, पर डे का। अच्छा, इसमें पर डे कितने स्टॉक सर? आज मेरे पास जो स्टॉक आए हैं 7-8 स्टॉक आए हैं, जो मैंने आपको बताया ना 3% के कंडीशन में। हेलो, वीडियो में सर आपने 5% का जो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको हम 3% पे भी कन्वर्ट कर, मैं यूज करता हूँ बिकॉज मैं सर एक्सपर्ट हो चुका हूँ स्ट्रेटेजी में, तो ज्यादा स्टॉक भी आएंगे तो मैं इजीली हैंडल कर लेता हूँ, बट आप लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने 5% का कंडीशन दिया कि भैया कमी है, अच्छा काम कर लो आप लोग, पजल ना होगा। तो मतलब इसमें लाइव ट्रेड भी करते हैं जैसे जी आप लोग अपने मतलब व्यूअर के साथ? अच्छा अच्छा, आज मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ अपना लाइव ट्रेड का। अच्छा अच्छा ठीक है सर जी, पहले तो सर जी मुझे आप अपने टेलीग्राम का लिंक दीजिए ना सर जी, मैं आपसे जुड़ूंगा। सर टेलीग्राम में आप किंग रिसर्च हैरी डालना आ जाएगा सबसे टॉप पे, और फर्स्ट है, सेकंड है कि आप जब भी मुंबई का प्रोग्राम बनाएंगे, जब भी बनाइएगा जी, आपको पूरी तरह से मैं मतलब आमंत्रित करता हूँ, आपको कहीं और बाहर रुकने की जरूरत नहीं है, आप हमारे यहाँ आइए और आपको 2-4 दिन जितना दिन रुकना है आप रख लिए, और प्रोग्राम कहीं भी करिए आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बट एक ही केस कहूंगा सर, सिर्फ एक केस पे, उल्टा पुल्टा को अच्छे से फॉलो करो, और एक मंत्र और दे रहा हूँ, मनी मैनेजमेंट को जो बताया ना, अकाउंट में सिर्फ रखने 10,000 रुपए, और वो 10,000 ये सोचो कि 10,000 मेरे को मार्केट में देने, सबसे पहला पॉइंट 10,000 मैंने मार्केट को देने, मेरे को कमाना कुछ नहीं है, कमाना क्या है कॉन्फिडेंस, 10,000 देके कॉन्फिडेंस। कैसे सर? आप हर ट्रेड कर लोगे 200 रुपीज का सारा रिस्क जो होगा, अगर लॉस गया तो 200 रुपए का जाएगा, बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब कैसे, 10,000 का अकाउंट में इन्वेस्टमेंट पड़ा है, बाकी सब निकाल दो, अब 10,000 में आपको पर ट्रेड 200 रुपए का रिस्क देना है, चाहे एक स्टॉक आए, 2 स्टॉक आए, 5 स्टॉक आए, 10 स्टॉक आए, ये मत समझना रिटर्न क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, पूरा दिन बर्बाद हो गया, वो बाद की बात है।
रिटर्न सोचना आरओआई में कितना आया कि भैया मैंने 2000 का इन्वेस्टमेंट किया, 2000 में 200 मिल गया, यानी 10% हो पाए बराबर, समझ रहे हो। पहले ये कॉन्फिडेंस गेन करो, उसके बाद सर वही जो 200 रुपए का रिस्क डिवाइड, मान लो किसी में 5 रुपए का स्टॉप लॉस आया, ठीक है, तो 200 डिवाइड बाई 5 कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी लेनी है बताओ, 200 डिवाइड बाई 5 20, बात खत्म, समझ गए। सिर्फ 20 क्वांटिटी में काम करनी है, स्टॉप लॉस 50 लगा दो, छोड़ दो उसको, ओपन छोड़ दो, 15 अपना कट जाएगी। नहीं ये बात आपने बोल दिया, और ये जो ये पता नहीं क्यों मुझे उल्टा पलटा के ऊपर इतना ट्रस्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही है, लोग चरसे बाजार में जब भागते हैं तो वहाँ से उल्टा हो जाता है वो, सही है। आपने जो इसका नाम दिया है, मैंने बहुत मंथन किया तो पता चला है, 4-5 साल से यूज कर रहा हूँ, और ये स्ट्रेटेजी ये लगा लो अलादीन का चिराग निकाल के दिया हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ रिटेल ट्रेडर्स के लिए कि भैया दुआ में याद रखना। और नहीं नहीं इस पे हमको भी मतलब ऐसा लग रहा है, ठीक है सर जी, ऐसा कुछ रह तो मैं लाइव में बात कर सकता हूँ ना आपसे, 10:30 बजे के बाद आप मुझे कॉल कर, ठीक है सर जी। लेकिन हमारी इस क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट को आप ध्यान रखिए सर जी, कभी भी मुंबई आपके आने का प्रोग्राम होगा, मेरी भी रिक्वेस्ट है, हाँ एक ही शर्त पे आप मुझे पैसा कमा के स्क्रीनशॉट भेजोगे, भले 200 रुपए का कमा के भेजो, ओके, एक महीना लगातार, मैं तब कॉन्फिडेंस मान जाऊंगा कि हाँ सर ने मेरी बात समझी, तब मैं आपकी बात रखूंगा। और मैं आपको पर डे का मतलब जो भी आपने पहली बात तो बताया है मेरे को मनी मैनेजमेंट, उसके आधार पे दो चाहे प्रॉफिट है, हाँ चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, दोनों का स्क्रीन शॉट आपको हमें डेली स्क्रीन करूंगा। ये है कि डेली मैं ट्रेड इसलिए नहीं कर पाता कि कहीं मुझे बाहर जाना रहता, लेकिन जिस दिन बैठूंगा तो जरूर करूंगा आप, ठीक है। और बाकी सब स्ट्रेटेजी दिमाग से निकाल दो, मार्केट बुलाएगी बार बार कि आज हम जो ट्रेड कर नहीं करना, आएगा करना है, और वो सुबह के 5 मिनट पता चल जाएगा, आया ठीक है, नहीं आया मार्केट बंद, जयराम जी, जो आप करते हो वो करते रहो, बराबर। और मान लो किसी 10 रुपए का ऐसा तो डरना नहीं है, क्योंकि हमारा रिस्क 200 रुपए का है, तो 200 रुपए डिवाइड बाय 10 रुपए, 10 क्वांटिटी में काम करना है। मान लो 20 रुपए का आया, 200 रुपए उतनी क्वांटिटी में काम करने का है, तो लॉस जाएगा तो 200 जाएगा, प्रॉफिट की चिंता मत करो, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। नहीं प्रॉफिट तो आपने बोल दिया ना, वो जो 3 जाएगी पोजीशन बात करता हूँ, तो अपने को 3 दिन का ये ईएमआई लाइन को टच करेगा तो आप अपने को पोजीशन हटा देना है फिर, हाँ लगा के स्टॉप लॉस लगा दो करके, बस सर इतना कर लो पैसा बन जाएगा, ये मेरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और आपने ऐसा कर दिया तो भी ठीक है, और नहीं हुआ तो भी हमारा निमंत्रण आप स्वीकार करिएगा, और क्योंकि ये चीज उससे नहीं जुड़ी होगी, हमारे आपके कुछ चीजें ऐसी मुझे वहाँ पे गुड फील हो रहा है, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सोच अच्छी होती है तो बोलते हैं ना विचार भी अच्छे बनते हैं, सर नीयत सही होनी चाहिए, बाकी सब छोड़ दो, ठीक है सर जी। तो किंग वो किंग रिसर्च हायरी करके डालेंगे, आ जाएगा ना, आ जाएगा। और सर ये कॉन्वर्सेशन गलती से मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, क्या मैं ये कॉन्वर्सेशन डाल सकता हूँ? हाँ डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे हुए मार्केट में इस तरह से सोचने वाले, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प हो जाए, तो वो लोग कहीं डाइवर्ट हो रहे तो वो समझ जाए इस चीज को, बस ऐसे भी कर लो। इतना ही नहीं है हरी जी, अभी आप मेरे को केवल एक दिन, हाँ मेरा कॉन्फिडेंस जिस दिन बिल्डअप हो जाएगा ना, मैं एक दिन मैं इन चीजों को आपने जो मनी मैनेजमेंट बताया ना, उसके ही बिहार पे काम करता हूँ, और मैं शुरू से केवल फ्यूचर में ही काम किया हूँ शुरू से, वो मत छोड़ दो अभी, वो बात की बात लेकिन मेरा केवल एक ही चीज था, मेरी एक ही थिंकिंग है, मेरे को आज मेरे पास अगर स्ट्रेटेजी है, अगर मैं 10 रुपया कमाने की मेरे पास स्ट्रेटेजी है, तो उसको 10 लाख रुपए में कन्वर्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा, यस, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको गेन करना है, एक बार कॉन्फिडेंस गेन करना सर, वही 200 रुपए 500 कर लो, 1000 कर लो, 1500, 2000, 5000, 10000, हाँ वो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको क्वांटिटी तो बढ़ाना है फिर वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजी तो है ना, बस 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 बस, तो एक चीज है, और ये कभी लॉस भी देगा कभी प्रॉफिट भी देगा, तो घबराना नहीं है, एक महीना प्रॉपर फॉलो करो बस। नहीं वे तो मार्केट में आज तक 100% की स्ट्रेटेजी कोई बनी ही नहीं है, हाँ। और ये सोच के साथ में अगर काम करना है मार्केट में, तो काम मार्केट सट जाना चाहिए बस सर। और मजे की बात, मैंने ये बोला
10,000 ये सोच लो और सही, पैसे कमाने के लिए नहीं, कॉन्फिडेंस गेन करने। बराबर, सही बात है ना, ये चीज ठीक है। ओके सर जी, कोई बात, थैंक यू सो मच, ओके। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video